हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्ड चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस, बिकॉज हम यहाँ पे रोज़ एक वीडियो डालते हैं बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे IBPS क्लर्क प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है 27 नवंबर को, उसका पहले स्लॉट का डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे क्या कट ऑफ जा सकती है और देखेंगे एग्ज़ाम कैसा आया था, इजी था, हार्ड था, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो जो एग्ज़ाम का लेवल था, जैसे कि कल की शिफ्ट के कल के स्लॉट्स में इजी लेवल था, ऐसा ही आज भी था, सेम इजी लेवल। ओवरऑल एनालिसिस देख लेते हैं। इंग्लिश काफ़ी इजी आई थी। सो अगर आपने इंग्लिश में 15 to 18 क्वेश्चन किए हैं तो ये एक अच्छा अटैम्प्ट है। रीजनिंग भी काफ़ी इजी थी। सो क्योंकि हमें सिर्फ सेशनल कट ऑफ नहीं निकालनी है, हमें ओवरऑल कट ऑफ का भी देखना है, तो इसलिए रीजनिंग क्योंकि इजी थी तो हमें कोशिश करनी होगी रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। सो अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन किए हैं तो एक अच्छा अटैम्प्ट है, पर हाँ, जितना आप ज़्यादा उसको रीजनिंग में खींच सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि लेवल ईजी है, कट ऑफ हाई जाने वाली है, तो इसलिए हमें ओवरऑल कट ऑफ का भी देखना, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ नहीं देखनी, हमें ओवरऑल कट ऑफ भी देखनी है जो कि हाई जाएगी, तो हमें रीजनिंग में से ज़्यादा अटैम्प्ट मारने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपने 20 से 25 किए हैं तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ ईजिली निकल जाएगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एटलीस्ट 27-28 क्वेश्चन करके आइए रीजनिंग में, ताकि आपका स्कोर खिंच सके रीजनिंग से। सेम ही मैं क्वांट के लिए भी कहूँगा, हालांकि क्वांट जो है रीजनिंग और इंग्लिश की कंपैरिजन में थोड़ी टफ थी, लेकिन फिर भी ईजी ही लेवल कहूँगा मैं उसे, और वहाँ से भी आप अपना स्कोर खींच सकते हैं। वैसे अगर आपने 20 से 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो एक अच्छा अटैम्प्ट है, लेकिन हाँ, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप क्वांट में भी स्कोर अपना खींचिए, और एटलीस्ट आप यहाँ पे 30 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट करके आइए, क्योंकि अभी आगे मैं आपको क्वांट का जब डिवीज़न दिखाऊँगा किस से कितने मार्क्स आएंगे, तो आपको भी लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा सकते थे क्वांट में। सो ओवरऑल 60 से प्लस अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो इट इज़ अ गुड अटैम्प्ट, क्योंकि लेवल काफ़ी ईजी है, 60 से कम में बात नहीं बनने वाली गाइस, सो इसलिए आपको 60 से ऊपर ही अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। आइए क्वांट में देख लेते हैं क्या आया था। 5 क्वेश्चन सीरीज से आए थे, काफ़ी ईजी लेवल के थे। फ्रेंड्स, हमारे पास सीरीज के क्वेश्चन आए हैं कुछ जो एग्ज़ाम में आए थे, अगर आप कमेंट करेंगे बोलेंगे कि सीरीज़ के क्वेश्चन बताएं तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीरीज़ के क्वेश्चन बताएंगे जो क्लर्क के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, या अभी तक कल से लेकर अब तक के स्लॉट में जो भी सीरीज़ के क्वेश्चन आए हम उस पर एक वीडियो तैयार करेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वो वीडियो चाहिए देन कमेंट बिलो। 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से थे, जो कि काफ़ी आसान थे, लगभग 6 से 7 मिनट में आप ये 15 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक DI आई थी टेबुलर चार्ट टाइप की, वो भी काफ़ी ईजी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लगेंगे उस पूरी DI को सॉल्व करने में। सो मिसलिनियस 10 क्वेश्चन से मॉडरेट लेवल के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और DI, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर ही सकते थे, 20 मार्क्स तो आपके सिक्योर हुए, सॉरी 25। रही बात मिसलिनियस की, तो आप हद से हद कितना भी कम जानते हो 5 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही देंगे, क्योंकि ईजी लेवल के आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था कि 30 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट आराम से कर सकते हैं क्वांट में। 35 क्वेश्चन थे ओवरऑल, और लेवल जो था इजी से मॉडरेट था, इजी से मॉडरेट में भी ऑन द इजी साइड ही ज़्यादा था, तो इसलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें उतना अच्छा होगा आपके लिए क्वांट में, क्योंकि फिर से मैं बताऊंगा कट ऑफ हाई जाने वाली है। आइए इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन थे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड एरर्स, तीनों ही काफ़ी ईजी लेवल के थे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 10 क्वेश्चन आए थे और काफ़ी इजी थे, जो कि क्लोज टेस्ट भी काफ़ी इजी था, और क्लोज टेस्ट में से भी 10 क्वेश्चन आए थे, और 10 क्वेश्चंस एरर बेस्ड थे जो कि काफ़ी इजी थे, तो टोटल जो लेवल 30 क्वेश्चंस थे और टोटल लेवल जो है इजी था। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि फिलिप्स और पैराजंबल नहीं आए, तो पैरा जंबल में आपको डिफ़िकल्टी होती थी,
तो इसलिए आपके लिए और इजी हो गया इंग्लिश का, इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ निकालना और इंग्लिश से स्कोर खींचना अपना। रीजनिंग एबिलिटी देख लेते हैं, ओवरऑल रीजनिंग भी काफ़ी इजी ही आई थी। 5 क्वेश्चन इन इक्वालिटीज से आए थे, सेम पीओ की तरह, जो कि लेकिन लेवल यहाँ पे इस बार इजी था। 3 क्वेश्चन अपने सेटिंग अरेंजमेंट से थे, 5-5 मार्क्स के, एक सर्कुलर सेटिंग, एक लीनियर अरेंजमेंट और एक पैरेलल सेटिंग। 5 क्वेश्चन मिसलिनियस से थे, मिसलिनियस में डायरेक्शन का क्वेश्चन थे और ब्लड रिलेशन के, 2 डायरेक्शन से थे और 3 ब्लड रिलेशन से, काफ़ी ईजी थे हमारे यहाँ पे। 5 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट कोडिंग से थे और 5 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, दोनों ही काफ़ी ईजी थे। और देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि सिलॉजिज्म से रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, सेक्शनल कट ऑफ हमेशा की तरह लो ही रहेंगी, क्वांट में 10 से 12 और रीजनिंग में लगभग 12 के करीब और इंग्लिश में करीब 8 से 10, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ जो है हाई जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी ईजी आ रहा है। सो ओवरऑल कट ऑफ लगभग 52 से 57 जाने की उम्मीद है हमें। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट लॉट गाइस, और अच्छे से एग्ज़ाम करके आइए, गुड लक। थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।